गाइस आज अचानक से मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूज़ मिल गई है। भाई हमको भी मिल गई है गाइस, यहाँ पर एक सीक्रेट बैटल हुआ था टाइटन प्रोजेक्टर मैन वर्सेस स्किप द टॉयलेट मॉन्स्टर का, और गाइस रिजल्ट बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। पहले तो जब मैंने सुना कि यहाँ पर बैटल हो रही है स्किप द टॉयलेट मॉन्स्टर में, हमें हमारे भाई स्पीकर मैन ने बताया था, अरे हाँ बिल्कुल यार मैं भी शॉक था, लेकिन यहाँ पर हमारे भाई प्रोजेक्टर मैन ने जीत हासिल की। बिल्कुल सही कहा गाइस, स्पीकर मैन ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर प्रोजेक्टर मैन जीत चुका है और ये जी मैन स्किप द टॉयलेट मॉन्स्टर को हरा दिया है। और गाइस इतना ही नहीं, जी मैन स्किप द टॉयलेट मॉन्स्टर के ना एक हाइड आउट था, बेस था, वहां पर आपको पता है प्रोजेक्टर मैन को क्या मिला है, मैं आप सभी को दिखाता हूं। ये है ऑल फादर एलिमेंटल टीवी स्पीकर ट्रैफिक लाइट मैन लकी बॉक्स। और गाइस यहां पर जीत की खुशी में हम सभी एवेंजर्स और जितने भी दुनिया वाले लोग चाहते हैं कि ये बॉक्स हमारे प्रोजेक्टर मैन को मिल जाए। बिल्कुल सही कहा भाई, ये बॉक्स तो प्रोजेक्टर मैन को मिलना चाहिए। बाकी भाई यहां पर प्रोजेक्टर मैन तो एक काम करे, स्किप द टॉयलेट मॉन्स्टर का ना भाई अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि यहां पर बेशक हमारा दुश्मन था लेकिन हमें इसे श्रद्धांजलि तो देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, इसको जला देते हैं, इसकी आत्मा को हो सकता है शांति मिल जाए। अरे बिल्कुल सही कहा दोस्तों, मैंने इसको जला दिया है, लेट्स गो भाई, अच्छाई की ना हमेशा के लिए बुराई पर जीत हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यार मैं तो बॉक्स के लिए इंतजार कर रहा हूं। एक मिनट, ये क्या, अबे टोनी वो स्किप द टॉयलेट मॉन्स्टर कहाँ गया, मुझे क्या पता, हो सकता है जल के राख बन गया। अबे देख फ्रैंकलिन वो जल के कितना सा हो गया, नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। चलो खैर अच्छी बात है, यहाँ पर ये और छोटा हो गया और अभी भी इसमें आग लग रही है। अरे बिल्कुल सही कहा, हाँ टोनी सर आप बॉक्स का कुछ कह रहे थे, हाँ मैं कह रहा हूँ भाई प्रोजेक्टर मैन पूरी दुनिया के सामने तू जो ऑल फादर एलिमेंटल लकी बॉक्स है ना उसको फोड़ना, मेरी मौत का मजा उठा रहे थे तुम लोग, ये क्या ये जिंदा कैसे हो गया, मैं यहाँ पर जिंदा अपना त्याग करके हुआ हूँ, तुम्हें क्या लगा मेरी एक जिंदगी है, मेरी नौ जिंदगियां हैं, नौ में से एक तुमने छीन लिया, ये क्या बकवास कर रहा है तू, मुझे यहाँ पर वरदान मिला है, मैं आठ बार मरूंगा तब नौवीं बार मुझे असली बार में मारा जाएगा, वरना आठ बार मैं बार बार जिंदा हो जाऊंगा, नहीं तो मैं तुझे फिर से मारूंगा दूसरी बार तीसरी बार, अब नहीं मार सकता तू, इसके बड़े अब जब तक मैं अपने साइज में वापस नहीं आ सकता कोई मुझे नहीं मार पाएगा, ये क्या बात कर रहा है फ्रैंकलिन, ये ओ भाई सब इस स्किबिडी की नौ जिंदगी आती जिसमें से ओ नो नहीं इसने वो बॉक्स फोड़ लिया जो प्रोजेक्टर मैन को फोड़ना था। गाइस कोई प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब, अब ये पूरी दुनिया में क्या मतला देगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों मैं हूं ना, मैं यहां पर इसको दोबारा मार दूंगा, तिबारा मार दूंगा, नौ बार मारूंगा इसको मारने के लिए, उसके बड़े इंसानों अब यहां पर बर्फ में जमने के लिए तैयार हो जाओ। ये कैसी बातें कर रहा है, माय गॉड स्पीकर मैन पे इसने हमला कर दिया, भाई साहब इसने रिएक्ट तो ऐसे किया जैसे ये हम ह्यूमंस पे हमला करेगा लेकिन इसने स्पीकर मैन पे हमला किया। गाइस ये पहले से चालाक नजर आ रहा है मुझे, अरे नहीं ये क्या हो रहा है, नहीं भाई प्रोजेक्टर मैन तू यहां पर अपना गार्ड डाउन मत कर, तू यहां पर हमारी चिंता मत कर, इस उसकी बड़ी गोरा मुझे मार दे इसकी बड़ी, लेकिन प्लीज एवेंजर्स को कुछ मत करना और मैं सबको मारूंगा उसके बड़े ओ माय गॉड गाइस नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब फ्रैंकलिन अब कौन इसको आठ बार मारेगा, भाई हमारे एक बार मारना इसके बस की नहीं, बिल्कुल सही कहा पूरी दुनिया में इसने बर्फ फैला दी है, चारों तरफ कयामत आ चुकी है। उसके बड़े अभी तो शुरुआत है, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, जितनी बार मुझे जो मारेगा मैं उतना ही ताकतवर होकर वापस लौटता आऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या बकवास कर रहा है, हल्को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है अब हमारा क्या होगा, फ्रैंकलिन अब हार मान लेनी चाहिए, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, कोई है प्लीज हमें बचाओ। अरे इसकी बड़ी इसकी बड़ी तुम्हें क्या लगा हम चले जाएंगे, मैं आ चुका हूँ मैं सबको बचा लूंगा। एक मिनट वो कौन आ रहा है, मेरा नाम है रिमोट कंट्रोल कार मैन, इसका क्या मतलब है, अपने ही हेड पर जो कार लगी हुई है उसको रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। व्हाट अबे वाह फ्रैंकलिन ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, रिमोट कंट्रोल कार मैन, भाई साहब मतलब आपने देखा उस रिमोट कंट्रोल कार मैन ने अपने हेड को मतलब जो उसकी कार है उसको हेड से दूर हटाया और अपने रिमोट से वो कंट्रोल कर पा रहा है, ओ माय गॉड ये कितना ऑसम है। फ्रैंकलिन मैं तुझे अभी फिलहाल अपनी कार के साथ बाहर भेज रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा, प्लीज एवेंजर्स को बचा कर जुड़ा ना। बिल्कुल सही कहा, मैं एवेंजर्स को बचा लूंगा। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पर भाई साहब रिमोट कंट्रोल कार मैन आया और उसने अपने हेड को अलग किया अपने आप से और रिमोट से कंट्रोल करके मेरे को बचा लिया। ओ माय गॉड देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना रिमोट कंट्रोल मैन बिना कार के मतलब बिना अपने हेड के लड़ रहा है, वाह क्या बात है, रिमोट कंट्रोल कार मैन तो सबको मार सकता है। और इसके बड़े एक मिनट दोस्तों जरा एक बार कंफर्म कर लूं कार में कोई बैठा तो नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है, इसका मतलब सच में वो रिमोट कंट्रोल कार मैन है। मतलब गाइस सोचिए कोई इंसान अपने हेड को अपने आप से अलग करके उसको कंट्रोल कर सकता है, ओ माय गॉड ये क्या ये रिमोट कंट्रोल मैन ऐसे क्यों आ रहा है, अब
अवेंजर्स का क्या हुआ? ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर अपने हेड के पास टेलीपोर्ट होने पड़ा। व्हाट? इसका मतलब तू अपने हेड को कहीं भी भेज के भाई तू टेलीपोर्ट भी हो सकता है। गाइस ये कैसा रिमोट कंट्रोल मैंने। लेकिन अवेंजर्स का क्या हुआ? वो इसके बिडीज बहुत पावरफुल थे, मैं तुझे ही बचा पाया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, वरना वो मुझे मार देते अगर मैं लौट कर नहीं आता। फ्रैंकलिन मेरा यहाँ लौट कर आना बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तू बने रिमोट कंट्रोल कार मैन, तू भी यहाँ पर मेरी तरह अपने हेड को अलग कर पाएगा और रिमोट का इस्तेमाल करके यूज करके दुनिया को बचा पाएगा। एक दिन जब तू टाइटन रिमोट कंट्रोल कार में बनेगा तो अवेंजर्स को तो क्या पूरी दुनिया को बचा लेगा। ये क्या कह रहा है भाई तू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी चिंता मत कर, अभी देख मैं तेरे ऊपर कुछ करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है? ये क्या हो रहा है? व्हाट? एक मिनट गाइस, इसने मेरे को रिमोट कंट्रोल कारमैन बना दिया, मेरा हेड भी यहाँ पर कार बन चुका है। तो मतलब मैं अपने हेड को कैसे लग करूँ खुद को? उसके लिए तुझे एक रिमोट चाहिए, नीचे देख। रिमोट? अरे बाप रे गाइस, ये रिमोट है? बिल्कुल, तुझे यहाँ पर इस रिमोट को अच्छी तरह से चलाना सीखना होगा। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है, टाइम के साथ जब तू बड़ा होता चला जाएगा तेरा रिमोट भी बड़ा होगा, तेरी बॉडी भी और तेरा हेड भी। ऐसा? चलो गाइस इस रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स गो। मेरा हेड देखिए मेरी बॉडी से अलग हो चुका है और मैं यहाँ पर अपने हेड से कुछ भी देख सकता हूँ गाइस, लिटरली में। और यहाँ पर गाइस देखिए मेरे हेड के अंदर एक छोटा सा टॉय रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कार चला रहा हो लेकिन मैं उसको अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ। और भाई साहब क्या अच्छी तरह से मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। गाइस एक काम करते हैं, आसपास देखते हैं कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, जिसके भी साथ क्राइम हो रहा होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया हमको बचाओ, और उसके बड़े चुप रहो। एक मिनट, यहां से मुझे किसी की मदद की आवाज आ रही है और साथ-साथ में इसकी बिड्डी। एक मिनट भाई साहब, ये सारे इसकी बिड्डीज अपने आप को इस जाल के अंदर बंद करके रखे हुए हैं। और इसके बिड़ी शटर बंद कर, किसी को पता ना चलने पाए, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों यहां पर। एक मिनट भाई साहब, इन्होंने बचे हुए प्रोजेक्टर मैन की बॉडीज को बुरी तरह से यहां पर कैद कर रखा है और गाइस ना जाने कितने प्रोजेक्टर मैन को तो इन्होंने मार दिया है। अरे हमको जल्दी बचाओ, इन्होंने हमारे साथियों को मार दिया, हमको मार देंगे। अब इसकी बड़ी जल्दी मारेंगे। मैं इस जाल को तोड़ के रहूंगा। गाइस जैसे यहां पर रिमोट कंट्रोल मैन ने, मतलब मेरे बॉस ने अपनी बॉडी को टेलीपोर्ट किया था अपने हेड के पास, क्या मैं भी कर सकता हूं? यार मेरे को वो रिमोट सही से चलाना नहीं आ रहा है। कहां जा रहा हूं मैं, उल्टी सीधी जगह। अरे इसकी बड़ी ये क्या चीज है? ओ भाई साहब, नो, सामने से इसकी बड़ी आ रहा है भाई साहब, मैं यहाँ पर कुछ करता नहीं हूँ वरना ही गड़बड़ कर देगा। अबे इसकी बड़ी ये तो बच्चों का खेलने का रिमोट कंट्रोल कार वाला खिलौना है। ही ही ही। अपने बेटे को दे दूंगा इसको, इसकी बड़ी जब अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा, इसको जाके जाल के अंदर बंद कर देता हूँ। चलो गाइस अच्छा है, मेरा फायदा ही है। एक बार भाई साहब ये मेरे हेड को, मतलब मेरी कार को यहाँ पर अपने जाल के अंदर ले ले, फिर मैं अपनी बॉडी को वहीं कंट्रोल कर लूंगा, मतलब वहीं पर टेलीपोर्ट कर लूंगा और उसके बाद इसकी बड़ी बैंड बजाऊंगा। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खुद को रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। एरर आ रहा है, देखिए गाइस। ओह नो, इसका मतलब भाई मेरे को अपनी बॉडी को खुद वहां पे लेके जाना होगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, उसके लिए तुझे बड़ा होना होगा, तब यहां पर तू अपने हेड की तरफ टेलीपोर्ट हो सकता है। ऑलराइट गाइस, आपने देखा मेरे बॉस ने बताया मुझे बड़ी कार चाहिए, रिमोट कंट्रोल कार, जिसमें एक मिनट, ये क्या आ रहा है? उसके बड़े तू कौन है? अरे बिरला सर वाला इंसान, अब तू कौन है? ओह माय गॉड, पकड़ा गया भाई साहब। अरे सर मैं इंसान नहीं हूं, मैं भूत हूं। आवाज के बड़े, उसके बड़े, हम भूत से नहीं डरते, ये ला हम तेरी बैंड बजा देंगे। ओह नो गाइस, मैंने सोचा था ये मुझसे डर आएगा, ये तो मेरी बैंड बजा रहा है। भाई मार मत, एक काम कर, मेरे को वहां लेकर चल जहां पर प्रोजेक्टर मैनों को तुमने रख रखा है, वहां ले जाके मार ले जितना मारना हो। अब तो उधर को जाना चाहता है, इसके बड़े कुछ गड़बड़ लग रही है हमको। अरे गाइस वो लेकर भी नहीं गया। ओह नो भाई साहब, मेरे सूट में गड़बड़ आ रही है, सूट में नहीं मेरे रिमोट में कंट्रोल में गड़बड़ है। नहीं, अब तो मैं यहां पर अपने भाई साहब हेड को कंट्रोल नहीं कर सकता। गाइस मैं तो बिना हेड वाला रिमोट कंट्रोल कार मैन बन गया, मेरी कार मुझसे दूर चलेगी। बहुत हो गया, मेरे को बड़ी कार चाहिए, मैं बड़ी कार लूंगा, बड़ा रिमोट लूंगा, मैं बनूंगा जायंट रिमोट कंट्रोल कार मैन। एक मिनट, ये क्या आ रहा है? इसकी बड़ी और कितनी बढ़िया कार चुराई है मैंने उस अमीर आदमी के घर से, चुराई नहीं है लूटी है। इसकी बड़ी भाई साहब, ये तो लग्जरी रिमोट कंट्रोल कार बन सकती है और इसका रिमोट भी है। इसकी बड़ी इसके रिमोट से इसको चारों तरफ घुमाऊंगा, लेकिन चलाते कैसे समझ नहीं आता, वो ऐसे चलाते हैं क्या? ओह माय गॉड, यहां पर ये इसकी टॉयलेट मॉन्स्टर इस इतनी बड़ी कार को एज अ रिमोट कंट्रोल कर पा रहा है। वाह गाइस, ये रिमोट कंट्रोल कार मेरे लिए बनी है, मुझे बनना है यहां पर गाइस जायंट रिमोट कंट्रोल कार मैन। ये कोई साधारण कार नहीं, देखिए कार में कोई नहीं बैठा फिर भी चल रही है। मेरे पास एक आइडिया है, पहले से इसकी बड़ी को मेरे को रास्ते से हटाना पड़ेगा। गाइस आइडिया, ये निकाली गन और मारा। आ रहा है इसके बड़े, कौन मारा मेरे को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल तो बेटा तेरी बैंड बजा दी मैंने। ऑलराइट दोस्तों, लेकिन मैं अपने हेडपीस को अटैच कैसे करूं? शायद रिमोट काम कर दे। वाह, मैंने रिमोट का जैसे ही ग्रीन बटन दबाया, ये
कार ऑटोमेटिकली मेरे हेड पे अटैच होने लग रही है। गाइस अब देखना मैं यहाँ पर, ओ माय गॉड, मैं तो 6-हेडेड रिमोट कंट्रोल कार मैन बन गया हूँ। इसका मतलब मैं अपनी 6 की 6 कार्स को कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? लेकिन मेरे बस की नहीं है इतना सारा करना। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल एक कार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने निकाला अपना रिमोट कार का और एक कार मैंने हटाई हेड से। लेट्स गो गाइस, अब इस कार को लेके चलता हूँ। गाइस यहाँ पर एक सुपर फास्ट कार रोटेशन मोड भी है। अरे भैया ये क्या चीज है, रिमोट कंट्रोल करवा सकते हो। अरे हाँ, मेरा बॉस तो गाइस किसी भी साधारण कार को रिमोट कंट्रोल कार बना सकता है। अगर ये होती तो मैं इसको खुद अटैच कर लेता, लेकिन अब जबकि है नहीं तो अपने बॉस के पास चलते हैं, उससे बोलते हैं, बॉस प्लीज यहाँ पर इस वाली कार को रिमोट कंट्रोल बना दीजिए ना। अरे फ्रैंकलिन ये तो बहुत हार्ड होगा क्योंकि ये साधारण कार है, लेकिन फिर भी तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे भाई। मैं अब तुझे यहाँ पर एक टाइटन लेवल का रिमोट कंट्रोल कार मैन बनाने वाला हूँ। व्हाट, ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर देखिए मेरे बॉस ने यहाँ पर प्रोजेक्टर की तकनीक का इस्तेमाल करके मेरे हेड पे 100+ कार्स लगा दिए। मतलब मैं 100-हेडेड रिमोट कंट्रोल कार में बन गया हूँ। और गाइस मेरा रिमोट कंट्रोल कार का रिमोट भी मेरे पास है। अब चलो जल्दी से एवेंजर्स को जाके बचाते हैं। गाइस वो तो शॉक हो जाएंगे ये देख करके मैं कितना ज्यादा महान गोल्डन 100-हेडेड रिमोट कंट्रोल कार मैन बन चुका हूँ। गाइस यहाँ कितनी ठंड है, उसके बड़ी ने कर रखी है। और उसके बड़े ये एवेंजर बड़े जीत है, मरने का नाम नहीं लेते। एक मिनट, ये एवेंजर्स के क्या कर रहा है, मुझे को समझ नहीं आ रहा है। अरे बिल्कुल सही काम मालिक, आपने इसकी बड़ी इसकी बड़ी, लेकिन मैंने सुना है शहर में कोई नया रिमोट कंट्रोल कार में आया है, उसको खतरा है हमारी आर्मी से। अरे नहीं, इसके बड़े वो कीड़ा है मेरे लिए, मसल दूंगा जैसे अवेंजर्स को मसल दिया। अच्छा बेटा, मेरे को मसलने की बात कर रहा है और मेरे अवेंजर्स को अभी तक जमा के रखा है। बहुत हो गया गाइस, अब मैं अपने रिमोट से यहां पर हजारों सुपर कार्स को कंट्रोल करूंगा और इन पे अटैक करने वाला हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए, सुपर रिमोट कंट्रोल मैंने अपना निकाला और यहां पर ये कि मैंने 1000 कार एक्टिवेट, 1 2 3 क्लिक, लेट्स गो। और इसकी बड़ी है क्या? अरे भैया इसकी बड़ी हम पे कार्स का अटैक हो रहा है। गाइस ये जितनी भी कार्स है ना, मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने सिंगल रिमोट से। तभी तो मुझे कहा जाता है जायंट रिमोट कंट्रोल कार मैन। और इसके बड़े मेरे को उससे कुछ नहीं होगा। ओह नो गाइस, मेरे पास एक आईडिया है, क्यों ना मैं यहाँ पर दुनिया की आसपास में जितनी भी कार्स है उनको अपने रिमोट से कंट्रोल करके अपने हेड पे लगा लूं। हाँ, क्योंकि गाइस अब तो मैं अपने बॉस से भी सुपीरियर बन गया हूं। वाह गाइस, मेरे को यहाँ पर हजारों की तादाद में इतनी बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार्स मिल गई हैं। ये ऑटो रिमोट कंट्रोल कार हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरे हेड पे फिट होने जा रही हैं। और गाइस फिर देखना, मैं बनूंगा टाइटन रिमोट कंट्रोल कार मैन। गाइस लुक एट मी, भाई साहब मैं कितना बड़ा हो गया। चलो आपको एक टूर दे देता हूं अपनी इन सुपर रिमोट कंट्रोल कार्स का जो मेरे हेड पे अटैच्ड है। और सारी की सारी गाइस एडवांस लेवल की कार्स हैं, मतलब मैं जब चाहूं इनको कंट्रोल कर सकता हूं सिर्फ एक रिमोट से। बिल्कुल सही सुना आपने। और उसके बड़े ये तो बच्चों के खेलने की कार है। तू बेटा जानता नहीं है ये बच्चों के खेलने की कार तेरा क्या कर सकती है। ये मच्छर मरा गए। अच्छा बेटा गाइस, अब देखिए मेरी सुपर रिमोट कंट्रोल कार्स का क्या करने वाली है। सामने जो नॉर्मल कार्स रखी है मैं उनको अपने रिमोट से ब्लास्ट कर देता हूं। और ना इसके बड़े इतनी गर्मी गाइस, गर्मी यहां पर इस आइस इसकी ब्रिटल एटमॉस्फेयर से बर्दाश्त नहीं होगी। और देखिए गर्मी की वजह से भाई साहब इसकी आइस पिघल रही है और ये मर रहा है। मेरी अभी भी 7 जिंदगियां बाकी हैं, मैं वापस आऊंगा। फ्रैंकलिन बाकी 7 जिंदगियां क्या करेंगे भाई, तूने उसकी 100 जिंदगियां की तो बैंड बजा दी। नहीं, एक जिंदगी की प्रोजेक्टर मैन ने बैंड बजाई थी और एक की मैंने, बाकी 7 जिंदगी को भी देख लेंगे गाइस, उसको वापस तो आने दो। बाकी आपको गाइस स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।